हाय व्यूअर्स, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरलोड रिले, ये मेरे पास एबीबी का E320DU मॉडल का ओवरलोड रिले है। इसका फंक्शन कैसा है और ये कैसे काम करता है, कैसे इसको रिसेट करते हैं, इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कैसे यूज़ करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ये जो रिले है इसका पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है। इसमें सबसे पहले ये जो मेरा माउस जिधर है, ये क्लास के बारे में बात करता हूँ। क्लास जो है, जैसे इसमें 10 क्लास 10 और 20 और 30 लिखा रहता है। क्लास क्या है, फंक्शन है इसका, जैसे कुछ स्टार्टिंग करंट में कुछ, जैसे ये बड़ा रिले है तो ज़ाहिर है बड़ा मोटर ही होगा इसके लिए, बड़ा मोटर के लिए यूज़ करेंगे। तो बड़ा मोटर के लिए यूज़ करेंगे तो ये जब मोटर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग टाइम में जो करंट ज़्यादा लेता है, वो करंट का टाइम डिले जो रखते हैं वो ये उसी का फंक्शन है। अगर 10 में रहेगा तो थोड़ा जल्दी, अगर हाई करंट लेगा तो जल्दी ट्रिप करेगा। जैसे कुछ ब्लोअर या कुछ फ़ैन वगैरह रहता है तो फ़ैन क्या स्टार्टिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हाई करंट लेता है, तो उसके लिए फिर अगर आप कहीं फ़ैन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको 20 में रख सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़ा और कुछ है तो आप 30 में रख सकते हैं। जितना आप इसको ज़्यादा रेंज में रखेंगे उसमें स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेने के टाइम जो है थोड़ा डिले टाइम के उसमें डिले करेगा, ट्रिप नहीं करेगा उसके लिए। तो इसके लिए ये क्लास जो इसका रहता है 10, 20, 30, ऐसा अलग अलग क्लास रहता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो है आप क्लास में सेट कर सकते हैं। और ये बाकी इसके जो ये ओवरलोड सेटिंग जो है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना आप रख सकते हैं। तो इसके जो कॉन्टैक्ट NONC ये सब मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा। और इसका जो रेंज है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 100 से लेके 320 तक भी कर सकते हैं इसका। एक्चुअली इसका रेंज 300 तक की है। एबीबी का ये E320DU इसका जो मॉडल नंबर है। तो एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, जैसे इसमें से जो इसमें जो हम सेटिंग रखेंगे, जैसे ये इसको अपन घुमाएंगे तो ये इसका सेटिंग, सपोज़ हमने इसको 100 एम्प्स में रखा है अभी, तो जैसे ही 100 एम्प्स से ज़्यादा लोड इसमें से क्रॉस होगा, हमारा मोटर अगर 100 एम्प्स से 100 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट ले रहा है तो ये उसको ट्रिप करेगा, मोटर को ट्रिप कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसका जो मेन फंक्शन है वो इसके एक्सिलरी इसके कॉन्टैक्ट रहते हैं, जैसे ज़्यादातर ओवरलोड में जो दो कॉन्टैक्ट रहेंगे, एक NC और एक NO, और उसमें समय जो ये नंबर लिखा रहेगा वो भी सेम 95 96 जो रहता है वो NC रहता है, और 97 98 जो है इसका NO कॉन्टैक्ट है। तो अगर जब ये ट्रिप करेगा, अगर इसमें करंट ज़्यादा गया ट्रिप करेगा तो ये जो NC वाला कॉन्टैक्ट है NO हो जाएगा, और ये जो NO वाला कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा, क्योंकि इसके NC कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारा जो पावर का कॉन्टैक्टर है वो पकड़ा रहता है। तो जैसे ही NO हो जाएगा तो वो छूट जाएगा, और ये जो NO वाला कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा। वो NC होने के टाइम हमारा कुछ इसका जो कॉन्टैक्ट लिया है कुछ DCS में या किसी PLC में या कहीं किसी लैंप में, कुछ भी हमने देखने के लिए कि भाई ओवरलोड हुआ है इंडिकेशन के लिए, तो अपन इधर से कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, इधर से यूज़ करते हैं नॉर्मल, अगर कहीं इंडिकेशन देना है तो, अगर इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई यहाँ मोटर ट्रिप है तो आदमी देख सकते हैं उसमें आगे। तो यही है इसका फंक्शन, और इसमें कुछ खास है नहीं है। आपको कोई भी ओवरलोड ले या उसमें सेटिंग, जितना सेटिंग है जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसका, उसके हिसाब से सेटिंग रख के तो आप सेटिंग करके उसको मोटर की सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है रेंज का है, और छोटे छोटे भी रहते हैं, MPCB भी कुछ, अभी ये तो ओवरलोड रिले है, एक MPCB भी आता है जैसे उसके अंदर ही ओवरलोड रिले लेता है, तो उसमें ऑन ऑफ का भी फंक्शन रहता है, जैसे सीमेंस के MPCB आते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेज के लिए रहेगी, और ओवरलोड रिले का यही फंक्शन है। अगर ये ट्रिप होता है तो रिसेट करने के लिए ये बटन है इसका, ये तो अगर फर्ज करो ये ट्रिप हो गया तो इसको एक बार जैसे करेंगे तो रिसेट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।